कब आपने पहली बार सोचा कि मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है? मेरे शिक्षक जब भी मुझसे कक्षा में पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते थे, तो मैं बताता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सुबह सुबह 6 बजे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अच्छा। पर उनकी कंप्लेंट भी करी जिन कांस्टेबल ने मेरे को पकड़ा था, और उनको अगले दिन ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने उनसे पूछा, मतलब बस कंडक्टर से, जो मतलब ये डीएम होता कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बस तुम लोग स्कूल बंद है, जा सकते हो, एग्जाम की कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सर को पूछा भी, बच्चे कह रहे हैं सर इतनी लंबी क्लास, तो सर ने कहा कि सर मैं हिस्ट्री इतना दिल से पढ़ाता हूँ ना, मुझे टाइम का आइडिया नहीं रहता। स्टार्टिंग में लगा था कि जब कॉलेज मिल गया तो अच्छा है, अब नहीं लग रहा अच्छा बिल्कुल भी। 4 दिन ऐसे हैं कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक की क्लासें हैं, 4 दिन तो पूरा टायर्ड ही फील होता है, घर जाके बिल्कुल मन नहीं करता। अच्छा। मैं क्लास में खाली अटेंडेंस के लिए आता हूँ। यूपीएससी की तैयारी में ना इंपॉर्टेंट पता क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए एक बर्डन ना बने। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज देशबंधु कॉलेज में। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रारंभ 2027 को अपना माध्यम बना के यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे हम मिलेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे क्या क्या उनके चैलेंजेस आते हैं, थोड़ी बातचीत भी होगी, एंड प्लस एट द सेम टाइम ये समझेंगे कि कैसे यूपीएससी की तैयारी और कॉलेज की तैयारी दोनों वो मैनेज कर पा रहे हैं। आइए दोस्तों, अपने कुछ साथियों से, अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं। तो प्लीज़ मैं इनवाइट करूंगा अपने दोस्तों को कि प्लीज़ आप आइए। मेरा नाम जितेश गांधी है, मैं देशबंधु कॉलेज से बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर रहा हूं। सर, मेरा नाम सिंटू है और मैं देशबंधु महाविद्यालय के ही राजनीति विज्ञान का छात्र हूं, और मैं प्रारंभ से जुलाई में जुड़ा हूं सर, जुलाई 2024। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेकेंड ईयर से हूँ, और मैं प्रारंभ 2027 बैच से हूँ। जितेश, मैं आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता पाएँ कि कब आपने पहली बार सोचा कि मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है? सर, एक इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। जब लॉकडाउन लगा था, क्लास 10th में था मैं, तो मैं क्या करता था, रोज़ सुबह 6 बजे के आसपास थोड़ा मैं बाहर टहलने चला जाता था पापा की स्कूटी लेके। तो मैं अंडर एज था तो ऐसे रेगुलरली जाता था, पर एक दिन मेरे को सुबह सुबह 6 बजे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अच्छा। तो उन्होंने दिन दिहाड़े मेरे को बोला कि आप 10,000 रुपीज़ अभी पे करो और अपनी स्कूटी छुड़ा लो और अपना लड़का भी ले जाओ। तो पापा ने अपने दोस्त से बात करी, तो दोस्त ने बोला कि आप SHO के पास चले जाओ, वो आपकी थोड़ी सहायता कर देंगे। तो पापा के दोस्त और पापा SHO के पास गए, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, बस पापा ने उनसे थोड़ी मुलाकात करी और दो चार कहते हैं माफ़ी ये लेटर लिखे और मेरे को छोड़ दिया। और पापा ने उनकी कंप्लेंट भी करी जिन कांस्टेबल ने मेरे को पकड़ा था, और उनको अगले दिन ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा। तो मेरे को वहीं से लगा कि जिसका अथॉरिटी है, जो मतलब ऊपर बैठे हैं, वही हमारा कुछ समाधान कर सकते हैं, तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब आपको लॉकडाउन के समय ये फील हुआ, काफ़ी बच्चों को होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ या फिर बचपन में ये चीज़ें कई बार फेस करनी पड़ती हैं, किसी आईएएस ऑफिसर से वो इंस्पायर होते हैं, राइट? बहुत अच्छा लगा। सिंटू, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कब आपने ये सोचा कि यार यूपीएससी की चलो तैयारी शुरू करी जाए। ऐसे तो मेरा कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि यूपीएससी का तैयारी आज से ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। मैं कक्षा 2nd में था उस समय जब मुझे लगा कि आईएएस नाम की कोई चीज़ होती है, तो मुझे उसके बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं था, लेकिन मेरे शिक्षक जब भी मुझसे कक्षा में पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं बताता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे जब मैं कक्षा 10वीं में आया, तो फिर मैं इस पर थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर जब मैं कक्षा 11वीं में आया, तो फिर मुझे जो है इसके प्रति लगा कि मैं जो है समाज को बदलने के लिए या समाज में कुछ करने के लिए जो है मैं आईएएस बन करके ही कुछ कर सकता हूँ। और मैं जिस इलाके से आता हूँ, अभी तो बिहार का वो रिमोट विलेज है, उसमें मैं जो हूँ शिक्षा को एक क्षेत्र माना जाता है, शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ता था, उसके बाद मैंने अपना ट्वेल्थ किया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, उसके बाद मैंने यहाँ से 2nd ईयर से अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया। ठीक है, ठीक है। मैं आपका नाम भूल गया। प्रिंस। प्रिंस, प्रिंस आइए चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा। तो प्रिंस, आप अपनी कहानी का बताइए कि बच्चों को, जैसे इनको 2nd क्लास में पता लगा सिंटू को कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उन्होंने लॉकडाउन के अंदर बात करी, आपका कब से ऐसा पहली बार आया कि नहीं यार यूपीएससी ही शायद मेरे लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है? सर, जब मैं क्लास 8 में था, वहाँ पे फर्स्ट जब मतलब मेरी मैथ के पेपर थे, तो उस समय अचानक लॉकडाउन लगी हुई थी, और मुझे पता चली थी कि भी लॉकडाउन थे, पर भी मुझे, मैं बस से उस समय स्कूल जाता था, तो मैं बस स्टॉप पे अपना गया, और उसके बाद
जब मैं वहाँ गया तो मुझे बताया गया कि जो डीएम का ऑर्डर है कि अभी स्कूल बंद रह जाएंगे, ड्यूटी भी लॉकडाउन है, कोरोना वायरस काफ़ी मतलब अपने पीक लेवल पे है। तो फिर मैंने उनसे पूछा मतलब बस कंडक्टर से, जो मतलब ये डीएम होता है कौन है, उसने बोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बस तुम लोग की स्कूल बंद है, जा सकते हो, एग्जाम की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं जब घर पर आया, फिर मैं मतलब यूट्यूब पर सर्च किया जो डीएम आखिर होता क्या है, इसके पास इतनी क्या कैपेसिटी है जो वो मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे स्कूल बंद करा, पूरे डिस्ट्रिक्ट उसने बंद करवा दी, घर से कोई बाहर नहीं निकला, टाइम टेबल। फिर मैंने उसके बारे में जाँच पड़ताल की, फिर पता चला जो यूपीएससी के रिलेटेड मतलब एक टॉप मतलब वर्ल्ड में होती एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम में से एक है। तो मैंने सोचा अच्छा मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, मुझे इसको करना है, क्योंकि मेरे अंदर में भी मैं अपने आप को काफ़ी सोचता हूँ कि मेरे अंदर में उतनी कैपेसिटी है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसके साथ मेरी लाइफ में, फैमिली के लाइफ में, मेरी फैमिली में पूरी अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस तरह से मेरी फैमिली ने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, फिर मेरे फैमिली उस प्रॉब्लम से बाहर आए, फिर अभी अच्छी अच्छी लाइफ सब किया। फिर मैंने वहाँ से मोटिवेट लिया कि जब मतलब घर में स्थित इतनी खराब परिस्थिति होने के बाद भी मेरा फैमिली सुधर सकता है, तो फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ, जबकि मेरे पास कोई ऐसा परिस्थिति नहीं है, सारा कुछ मेरा प्रॉब्लम पेरेंट्स देखते हैं। फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है तो करना है, बस यही मेरी यूपीएससी का एक मेन टारगेट है और मैं इसको अचीव करूँगा, ही जरूर करूँगा। हिस्ट्री अपने आप में कई बार बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, उसको बोरिंग सब्जेक्ट को जो अपने आप में पूरी तरह से स्टैटिक है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है, उसको कैसे हम कहीं ना कहीं बच्चों के साथ रिलेट करके पढ़ाएं, हर एक चीज़ अगर हम इमेजिन करके पढ़ाएं तो आई थिंक हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे आई थिंक वही कारण है। यस सर, और सर मुझे मोहम्मद आसिफ का ये बहुत अच्छा लगा कि वो हिस्ट्री में मतलब लिखाते नहीं, वो फ्लो चार्ट, स्क्वायर, ट्रायंगल, बट सो अगर एक बार अगर कोई भी स्टूडेंट उनके साथ कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लिया तो मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ उसको दोबारा मतलब बुक रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस नोट्स नहीं, मतलब फ्लो चार्ट ऐसा बनाते हैं, वो होता है उनकी काफ़ी सारी, इस बार पर हम 27 कंप्लेन भी गई थी जो सर 3 घंटे की क्लास बैच हो रही है, संवाद सेशन हुआ हमारे सुमित सर के साथ, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कंप्लेन की सर 3 घंटे का सेशन, पर मुझे नहीं लगता है कि 3 घंटे उनकी सेशन होती है तो उनकी बड़ी सेशन, और कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाया जाए तो 3 घंटे पता भी नहीं चलते कैसे, आज से रील से स्क्रॉल करके पता भी नहीं चलता कितने दिन से नाइट हो जाते हैं। नहीं, मैं बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, मेरी ना आसिम सर से बात हुई इस बारे में जी, मैंने कहा सर आप बड़ी लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हो है ना, तो मैंने सर को पूछा भी बच्चे कह रहे हैं सर इतनी लंबी क्लास, तो सर ने कहा कि सर मैं हिस्ट्री इतना दिल से पढ़ाता हूँ ना, मुझे टाइम का आइडिया नहीं रहता, वो 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, इतना, और जैसा आप कह रहे हो कि आपको मजा आया सर के साथ पढ़ने से, इट इज लाइक कि सर भी इतना इन्वॉल्व थे पढ़ाने के अंदर, आप भी इतना इन्वॉल्व थे, तो टाइम अभी भी जैसे पता नहीं लग रहा आपसे बातचीत करते हुए भी। आई थिंक सेम चीज वहां पर भी कई बार सेशंस के साथ भी होती है। जी सर, तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ यूपीएससी पढ़ाई करने के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि कॉलेज आता हूँ तो थोड़ा सा टायर्ड हो जाता हूँ, या कॉलेज आके मन बढ़िया लगता है? नहीं, कभी कभार तो टायर्ड हो ही जाता है बंदा, क्योंकि हफ्ते में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि खाली 2 ही क्लास हैं, और 4 दिन ऐसे हैं कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक की क्लासें हैं, ठीक है, तो 4 दिन तो पूरा टायर्ड ही फील होता है, घर जाके बिल्कुल मन नहीं करता। फिर जो 2 दिन होते हैं उसमें भी पूरा करना पड़ता है पूरे वीक का, तो इसी वजह से कभी कभी लगता है कि स्टार्टिंग में लगा था कि जब कॉलेज मिल गया तो अच्छा है, अब नहीं लग रहा अच्छा बिल्कुल भी, अब अच्छा नहीं लग रहा कॉलेज, अब बस ऐसा लग रहा है कि कैसे ये दिन पास हो जाए और फिर हमें दोबारा पूरा टाइम मिल जाए पूरा डेडिकेट करने के लिए यूपीएससी के लिए। हाँ जी। अच्छा, मतलब कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही या माहौल तो सर कॉलेज में पढ़ाई एक तो पढ़ाई होते एक इंटरेस्ट होता है मेरा, केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मैं क्लास में खाली अटेंडेंस के लिए आता हूँ, मैं साफ आज इसी प्लेटफॉर्म से बोल जाता हूँ, मैं खाली अटेंडेंस के लिए कॉलेज जा रहा हूँ कि मेरे को अटेंडेंस मिल जाए, बाकी मैं पेपर अपने आप ही लिख लूंगा इनके, एक दिन पहले ही पढ़ना होता है कॉलेज के लिए, बाकी मैं पूरा अपनी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वही मैं घर जाट के पढ़ रहा हूँ और सवेरे सवेरे खाली करंट अफेयर देख लेता हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि अभी तो नेसेसरी नहीं है, आगे जाके नेसेसरी होंगे तो मेरे को थोड़ी आदत पड़ जाएगी करंट अफेयर सुनने वगैरह की। राइट। चलो सिंटू एक चीज़ बताओ, आपने अब तो प्रारंभ बैच में ज्वाइन किया, आपको 3-4 महीने आई थिंक हो चुके हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस 3-4 महीने का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, सबसे बड़ी बात तो समय की रही कि समय पहले जो है इतना पता नहीं चल पाता है कि समय इतने जल्दी बीत रहा है, अभी समय को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा मौका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मैं जो है कॉलेज में 8:30 बजे से 5:30 बजे की शाम तक जो है कॉलेज रहता है, फिर 5:30 से जो है मैं 9:30 बजे तक जो है ये यूपीएससी का लाइव क्लास करता हूँ प्रारंभ पे। ओके जी सर, तो और मेरी समय की बचत हो रही है, और दूसरी बात की सब्जेक्ट पे पकड़, और जो है कहीं ना कहीं जो मैं वहाँ पढ़ता हूँ वो कॉलेज लाइफ में भी मुझे काम आ रहे हैं,
प्लस जैसे इकोनॉमी की सब जैसे कॉलेज में मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स मेरा ऐसे कॉलेज में कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन यूपीएससी के लिए मैं कर रहा हूँ तो मैं उसके एस्पेक्ट से भी समझ रहा हूँ कि हमारा नेशन कैसे ग्रो कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, उसमें भी मैंने देखा कि हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है, और नैनो टेक्नोलॉजी में पता चला कि नैनो मटेरियल कैसे हमारे फ्यूचर को अब जो है आगे बढ़ा पाएंगे और कैसे ये एक बहुत बड़े पावर के रूप में उभर सकते हैं। आप बताओ, अब भी आपको भी आई थिंक 3-4 महीने हो चुके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रारंभ बैच के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले दिन से जुड़ा हूं, 8 जुलाई को शायद शुरू हुआ था बैच, 9 जुलाई को तभी से मैं स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो इन 3-4 महीने के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अपने पर्सनैलिटी के अंदर क्या बदलाव देख रहे हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपने हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल जिसकी नॉलेज नहीं थी वो सब पता चला, खाली महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता था, पर हमें और सारी फिगर्स हमें पता चली कि सिराजुद्दौला राजा थे, हमें मीर कासिम ये सब बिहार के, बैटल ऑफ प्लासी ये सर ये सब के बारे में पता चला, जो कि मैंने खाली यूट्यूब शॉर्ट से सुना था। तो यूट्यूब शॉर्ट जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ पता चलती है, पर यहाँ आके पूरा एक्सप्लेन हुआ कि ये कैसी चीज़ कब हुई थी, उससे कितना मोटिवेशन मिला है कि वो लोग कैसे उस टाइम पे लड़ रहे थे एक दूसरे से, किस चीज़ के बारे में, क्या उस टाइम के मुद्दे थे और आज के मुद्दे क्या हैं। फ्रेंड्स आप बताइए, आप कब जुड़े थे प्रारंभ के साथ? सर प्रारंभ 2027 में जुलाई में जो बैच आए थे मैं उसके साथ जुड़ा हुआ था। उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे अच्छा ये लगा कि मुझे पहले पता ही नहीं थी ज्योग्राफी होती क्या है। मुझे पता नहीं चाहिए क्लाइमेट क्या होता है, अर्थ के अंदर इतने सारे लिथोस्फेयर क्रोनोस्फेयर ये सब मेंटल होती है, लावा वावा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे पता था मेगमा होता है जो धरती के बाहर निकलता है, पता नहीं कहाँ से निकलता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। बट मुझे दीपेंद्र दुर्गा सर से मुझे मालूम चली कि जो ज्योग्राफी रियल में होती है, और मुझे उनसे इतना इंस्पायर हुआ कि मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी रखने की सोचा हूँ। उन्होंने मुझे कभी आज तक ये नहीं लिखाया जो मतलब कॉपी भरा है, वो भी बस स्लाइड ट्रायंगल स्क्वायर ऐसे उसमें समझाया, और मुझे उनकी कॉपी यही अच्छी लगी जो मतलब बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बना के वो दिए बच्चे को ये होती है, और उसके काफ़ी सारे टेस्ट भी आए, उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाए क्लास में जो यूपीएससी के मतलब पूछा हुआ था उन्होंने उससे करवाए, और हम मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ कि जो मैं उससे पढ़ के उसको सॉल्व कर पाया। सेम शिवम यस सर के साथ भी उसने साइंस एंड टेक की जब क्लास ली उस समय भी करवाया तो मेरी सारी क्वेश्चन सॉल्व होती थी, तो मुझे इसे मोटिवेट आती थी कि नहीं मैंने जो प्रारंभ लिया है मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ है और मैं अपने आप को यूपीएससी के बूस्टर अच्छे खासा कर पा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आई थिंक यूपीएससी की तैयारी में ना इम्पोर्टेंट पता क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर वो इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए एक बर्डन ना बने। यस सर, जैसे आप कह रहे हो कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी अच्छी लगी, चीज़ें समझ भी आई, मेन से क्वेश्चन लग पा रहे हैं, प्रीलिम्स से क्वेश्चन लग पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है। साइंस टेक में भी यही हो रहा है, इकोनॉमिक्स में भी यही हो रहा है, आई थिंक अगर आप ये कर पा रहे हो ना और बिना बर्डन के यूपीएससी को लेके कर पा रहे हो तो आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ कि जो 3 महीने रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या बदलाव देखते हो पिछले कुछ मंथ्स के अंदर? सर पर्सनैलिटी का मुझे सबसे पहले बदलाव ये लगा जो पहले मैं ज़्यादा बोलता था, अगर कुछ भी कोई एक सवाल पूछे तो मैं मतलब काफ़ी जुम्बुझ नहीं बोलना चाहिए मैं भी वो भी बोल देता हूँ जिससे काफ़ी सामने वाले पर्सन को लाइक इरिटेटिंग होता था, लेकिन जब से मैंने ये बैच ज्वाइन किया तब से मुझे ये पता चल गया जो कहाँ क्या बोलना है और कितने शब्द में बोलना है, शांत रहना है, कहाँ कब क्या, बस मुझे बस इससे ये सीख मिली यूपीएससी कम बोलो लेकिन 2D पॉइंट की बात बोलो। क्लासेस के अलावा भी कुछ और कभी सेशन कुछ हुआ हो? जैसे कि इनसे पहले मतलब जो भी आईएएस रहते हैं रिटायर्ड आईएएस या जो भी आईएएस उनसे इंटरेक्शन होता है, और सुमित सर भी जो है हम लोगों का सेशन लेते हैं, और मेंशन सर राइटिंग के लिए भी अलग से कक्षाएं होती हैं तो इंटरेक्टिव रहती है, और ख़ासतौर से मुझे मेंटर का भी जो है काफ़ी हेल्प मिलता है उसमें, मैं अगर मुझे कोई भी डाउट होता है मैं मेंटर से डायरेक्ट कॉल कर पाता हूँ। मेंटर अवेलेबल रहते हैं? मेंटर अवेलेबल रहते हैं, मैं जिस समय डालता हूँ अपना प्रेफरेंस उस समय मुझसे बात हो जाती है। अच्छा, उनका कॉल आ जाता है? उनका कॉल आ जाता है। एंड कोई भी डाउट हो? मैंने एक बार बताया भी था कि ऋषभ शर्मा सर से मुझे बात करनी है तो उन्होंने बताया हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो उस दिन शायद आप थे नहीं, दूसरे दिन उन्होंने बताया कि नहीं आपसे बात कर सकते हैं, तो फिर मेरा जो डॉट था वो टेलीग्राम के माध्यम से सॉल्यूशन हो गया। मेरा तो टेलीग्राम आईडी सबके पास है, ये सब बच्चे कनेक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो जो सुमित सर के साथ सेशन हुआ था आपका संवाद है ना, संवाद कैसा रहा, मतलब सर ने सारे एड्रेस किए? जो भी इशू था बैच में जो भी इशू आ रहा था सर ने सारे एड्रेस किए, और सर ने बताया कि PW जो है हम लोगों से नहीं बल्कि आप लोगों से है, PW आप सभी है, तो ऐसा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम है आपके बैच सिमिलर सेम बैच है ना आपका? हाँ, तो आपके बैच में भी कुछ ऐसा हुआ जैसे ये कह रहे हैं कि इनके बैच में
आपके जो XIS ऑफिसर के साथ सेशन था, कितना हेल्पफुल लगा उसी में? सर साथ में ही सेशन होते रहते, सबके कॉमन ही सेशन है। सेशन जितना ज़्यादा देखेंगे उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे। हर रात को मैं देख लेता हूँ कि कभी जैसे आपके ओनली IAS चैनल पे पिछले कैंडिडेट के इंटरव्यू पड़े हैं या कोई मोटिवेशनल टॉक आई है, तो रात में लगा दी, साथ में लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ आगे जाके कोई पॉइंट जैसे हमें नहीं मिलता तो हम उसी इंटरव्यू से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको, तो हमें हेल्प कर सकता है। एक बार आपका रिसेंटली मेरे को मेंटर कॉल आया कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें आप खाली अभी करंट अफेयर पर ना फोकस करके जो ओपिनियन आता है, जो 3 पेजेस होते हैं हिंदू में, वो आप पढ़िए, आपके आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी काम आएंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो हेल्पफुल है थोड़ा। सर काफ़ी टाइम ऐसा आती है जो मतलब मेंटली प्रेशर आता है, फिजिकली लगता है, कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं अब नहीं कर पाऊँगा, छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं उस समय ये करता हूँ, अगर कभी कभी मुझे ऐसा बॉर्डर फील आते हैं तो मैं फ़ोन अपना जो मैं जहाँ भी क्लास करता हूँ सारा चीज़ को शट डाउन कर देता हूँ, फिर मैं रूम का लैपटॉप कर देता हूँ, फिर मैं अपने से अपने सवाल करता हूँ, खुद से खुद जवाब मांगता हूँ। जब मैं क्या यही करने के लिए दिल्ली आया हूँ, क्या जो मेरे पेरेंट्स मुझे मंथली भेजते हैं मैं कर रहा हूँ, क्या मैं यही करने के लिए आया हूँ, तो मुझे खुद से अंदर जवाब आती नहीं करना चाहिए करना चाहिए। ऐसे एक सॉन्ग है आरंभ ही प्रचंड है, मुझे गाना काफ़ी मोटिवेट करते हैं, सुबह सुबह सुनता हूँ। और वो मैंने मोहम्मद आसिम सर ने उसने मुझे सजेस्ट किया था जो सुनना चाहिए डेली सुबह सुनने जो मोटिवेट आती, वो भी जब क्लास लेने आते अपने घर से 30 किलोमीटर दूर, वो अक्सर बताते थे टेलीग्राम पर लाइव आके जो नए मैं अभी क्लास ख़त्म हुई है, फिर उसको 30 किलोमीटर घर से जाते कुछ टाइम लगता है, तो वो बाइक सॉरी फोर व्हीलर में वो मतलब टीली पे लाइव आके बताते रहते हैं, उसी समय से उसने बताया। तो जब भी मुझे ऐसा फील होता है तो मैं एक बार साउंड फुल साउंड में करके हेडफोन लगा के सुन लेता हूँ, फिर मेरे ये विचार नहीं आते, काफ़ी पहले आते थे अब नहीं आते, पहले मेरे पढ़ाई में उतनी इंटरेस्ट भी नहीं थी लेकिन अब मेरी काफ़ी सारी इंटरेस्ट बढ़ती है। नाइट में 10 बजे के बाद मेरी 3-4 बजे तक हैबिट हो चुकी है जिन्हें मुझे UPSC को टाइम देना है, दिन में होती हो नहीं पाती है कॉलेज की वजह से, तो मैं वहाँ देखते रहता हूँ। तो दोस्तों आज हमने आज का पूरा दिन बिताया अपने प्रारंभ के बच्चों के साथ, आप बताइएगा कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कॉलेज भी आएँ, आपके कॉलेज में आके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, तो डेफिनेटली बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज से हैं एंड कैसी चल रही है आपकी तैयारी। ऑल दी वेरी बेस्ट।